उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के बैनर तले मदनापुर गांव में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल्स लगाकर लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। शिविर के दौरान उज्ज्वला गैस सिलेंडर व महालक्ष्मी किट वितरित किए गए। शुक्रवार को नगर के निकटवर्ती ग्राम मदनापुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी उदयराज सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने मां सरस्वती की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, ऊर्जा निगम, ग्रामीण बैंक, बाल विकास, कृषि विभाग के तमाम स्टॉल्स लगाकर लोगों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां पर हमारे जिलाधिकारी उदयराज सिंह जी पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। यहां हमारे सीडीओ पहुंचे हैं, हमारे उप जिलाधिकारी पहुंचे हैं, अन्य अधिकारी पहुंचे हैं, हमारे प्रधान, हमारे जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और इस जनपद में भी विभिन्न विकास खंडों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। हमारे इस समय 5 वैन हैं जो कि कार्यक्रम फिक्स है कि किस गांव में किस दिनांक को होना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और जो गरीबों से जुड़ी हैं, वेलफेयर की योजनाएँ हैं, उनको आम जनता तक कैसे पहुँचाया जाए या जो लोग अभी उन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं उनको कैसे हम फिर से जोड़ें और उन योजनाओं का लाभ दें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज यहाँ यह कार्यक्रम हुआ है और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभियान इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी जनहित में काम किए हैं, कई योजनाओं की जानकारी आम जनता तक नहीं पहुँच पाती है, तो ये मोदी जी की गारंटी की योजना की गाड़ी है जो यहाँ पास चल के आई है और विभिन्न विभागों के माध्यम से जो जन कल्याण के लिए योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। तो गाड़ी के साथ साथ समस्त विभागों के अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। इनके माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और जिनका योजनाओं का लोग लाभ ले चुके हैं अच्छी बात है, लेकिन जिनकी योजनाओं की जानकारी है ही नहीं उसका लाभ उठाने के लिए इस कैंप को लगाया गया। कई लोगों ने आपने शिकायत किया कि शिकायत जी होता है कई जगह जहाँ सब जगह 100% फटकें नहीं बन पाई है, लेकिन उनके DPR बना दी गई है, उनकी DPR बन चुकी है और बहुत जल्दी फटके बनाना सरकार का काम है, हमारा काम है। वो लोगों को मैंने बताया, लोगों की जानकारी में है, लेकिन जब तक हो ना जाए लोग बोलते ही हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।